हमारे साथ जाने माने एक्टर अविनाश जी है, दिव्या भारती के साथ उन्होंने फिल्मों में काम किया। पहली मुलाकात आपकी कब हुई और हमारे प्रोग्राम का नाम सर फिर उनकी याद आई, आप किस तरह से आपका दिव्या भारती जी के साथ अनुभव रहा काम करने का और कैसी थी वो? आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार एंड प्यार। जी हाँ, मैंने एक फिल्म की थी दिव्या भारती एक्ट्रेस के साथ। आप सब ने उनका नाम ज़रूर सुना होगा क्योंकि वो बहुत ही मशहूर और बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस थी 1990s में। मेरी फिल्म का नाम था गीत, जिसके के डायरेक्टर थे पार्थो घोष जी। उसमें मैं और दिव्या भारती लीड में थे हम लोग, और बहुत ही चुलबुली, बहुत ही सेट पे मजाक मस्ती, बहुत ही बिल्कुल नॉन फिल्मी नेचर जैसे होता है। और एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई लड़की, और बहुत ही यंग थी, 19-20 साल की थी वो शायद जब मैंने गीत की थी उनके साथ। मैं खुद भी उस वक्त बहुत कम उम्र का था। तो हम लोगों ने आउटडोर्स किए, पूरी फिल्म साथ में की, 4-5 गाने साथ में शूट किए, तो एक बड़ा फैमिली सा फैमिली रिलेशन बन गया था उनके साथ। मिलना जुलना हो गया था, उसके पेरेंट्स और मेरी फैमिली के लोग भी आपस में मिलते रहते थे। हम लोग सेट पे भी हम लोग बहुत पैकअप के बाद बहुत मस्ती करते थे। तो अचानक एक दिन हमारी फिल्म की शूटिंग वैसे जब खत्म हो गई, हमने डबिंग भी कर ली, सब कुछ हो गया, फिल्म रेडी होने वाली थी, तो अचानक मैं एक दिन किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहा था किसी स्टूडियो में, तो मुझे अचानक फ़ोन आया। उन दोनों मोबाइल नहीं होते थे तो ऑफिस में ही फ़ोन आता था, स्टूडियो के ऑफिस में। तो वहाँ से कोई स्टाफ का आदमी मेरे पास आया भागा हुआ, मुझे बोलता है कि सर आपके लिए फ़ोन है। मैंने बोला किसका फ़ोन है? बोले सर वो PR हैं, वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि दिव्या भारती जी की डेथ हो गई है। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने बोला क्या बोल रहे हो? बोले सर दिव्या भारती जी नहीं रही। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, पागल हो गया, तुमने गलत सुना होगा। तो मैं बिलीव नहीं कर रहा था क्योंकि सवाल ही नहीं पैदा होता इतनी कम उम्र की लड़की की अचानक कैसे कैसे। मुझे लगा शायद कोई प्रैंक कर रहा है या कोई जानबूझ के, यू नो। तो फिर मैंने कंफर्म करने के लिए मैंने ऑफिस में जाके खुद फ़ोन किया और पता चला कि वाकई में उनकी मौत हो गई है। और मैं फिर फटाफट शूटिंग से पैकअप जल्दी करके वहाँ से निकला और उनके घर पे गया। फिर वहाँ से हम लोग क्रिमेशन ग्राउंड में भी गए। तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या, बाद में धीरे धीरे हमको जब पता चलना शुरू हुआ कि कैसे वो अपने घर में थी और खिड़की से गिर गई और कैसे सब हुआ, तो इट वॉज रियली शॉकिंग। हम लोग तो मतलब एक दिन तक दो दिन तक तो बिल्कुल हम अवाक, बिलीव नहीं कर पा रहे थे। मेरे घर में भी सब, मेरे फैमिली के लोगों को भी अच्छा बहुत ही शॉक लगा, हम लोगों को, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को शॉक लगा। और एक बहुत ही कम उम्र में जिसका करियर कितना आगे और जा सकता था, जो एक बहुत ही अनुभवी और बहुत ही अच्छी कलाकारा थी, बहुत अच्छा काम करती थी, और वो तो उनकी हंसी भी इन्फेक्शियस हो गई थी, सब पूरे इंडिया में लोग उनकी तारीफ करने लगे थे। और ऐसे मोड़ पे आके उनका इस दुनिया से चले जाना बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज था। हम लोग इतनी कम उम्र में कोई चला जाए तो बहुत ही एक क्या बोलूँगा मैं, अनबिलीवेबल सी और शॉकिंग फीलिंग होती है। तो बट भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इससे ज़्यादा हम सिर्फ ये प्रे कर सकते हैं गॉड से। सर जी किस्सा सुनना चाहेंगे शूटिंग के दौरान, कोई हंसी मजाक, कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद आता है? जी हाँ, वो जैसे कि मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा नॉटी थी, चुलबुली थी। तो हमारा एक सीन था पन्हाला की पहाड़ियों में, पन्हाला जो कि महाराष्ट्र में एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे एक सीन था कि एक ओपन जीप में मैं और दिव्या भारती बैठे हैं और दिव्या जीप चला रही है और हमारी डायलॉगबाजी है, पूरा सीन है। तो दो कैमरे डायरेक्टर ने फिट करवा दिए, एक जीप के राइट साइड में फिट हुआ, एक कैमरा जीप के लेफ्ट साइड में फिट हुआ। और कैमरा जो होता है वो कम से कम इतना 1.5-2 फुट का चौड़ा होता है। तो जीप के बाहर लेफ्ट साइड पे कैमरा लग गया और राइट साइड में भी एक कैमरा लग गया। और हम लोगों की जीप पहाड़ियों पर चल पड़ी जो कि दिव्या चला रही थी। तो हम लोगों ने अपना पूरा सीन पढ़ लिया, मेरे डायलॉग्स भी हो गए, उनके डायलॉग्स भी हो गए, सीन अच्छा हो गया। तो अभी हमको गाड़ी घुमा के वापस जाना था नीचे, क्योंकि पूरा यूनिट नीचे हमारी वेट कर रहा था। तो दिव्या जो कि आप बहुत मस्ती के मूड में थी, उसको लगा कि ये इतना अच्छा मौसम, पहाड़ियाँ और वो वादियाँ, और वो उसने गाड़ी की स्पीड पकड़ ली और गाड़ी को फुल स्पीड पे पहाड़ियों में यूं 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 करके चलाने लगी। तो मैं डर गया, मेरे पीछे साउंड रिकॉर्डिस्ट था, एक असिस्टेंट डायरेक्टर बैठा हुआ था, हम सब उसको रोक रहे हैं, दिव्या क्या कर रही हो, वो कैमरा दोनों तरफ लगे हुए हैं, कोई भी गाड़ी सामने से आएगी टकराएगी तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो बोलती नहीं नहीं डोंट वरी, मुझे गाड़ी बहुत अच्छी चलानी आती है, मैं कैमरे को टच भी नहीं करने दूंगी। लेकिन फिर भी
एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट, तो हम लोग बहुत डरे हुए थे और बार बार उसको बोल रहे थे दिव्या प्लीज स्टॉप द कार, प्लीज टेक द यू टर्न, लेट्स गो बैक। तो बहुत देर के बाद कोई 2-4-6 मिनट के बाद उनको लगा कि चलो वापस जाना चाहिए और हम लोगों ने गाड़ी घुमाई और फटाफट मैंने बोला तुम यहाँ बैठो अब गाड़ी मैं चलाऊंगा और फिर मैं गाड़ी धीरे धीरे चला के नीचे उतर के हम लोग यूनिट के पास पहुंचे। तो इस तरह का था उनका नेचर, रिस्क लेती थी लाइफ में और मौज मस्ती में उनका पूरा ध्यान काम में तो बहुत अच्छी थी वो, लेकिन काम के साथ साथ उनको मौज मस्ती करने में भी बहुत अच्छा लगता था। तो ये सब यादें हैं उनकी जो कि आज भी मुझे याद हैं, इस बात को 30 साल हो गए अब तो। दिव्या भारती जी को किस तरह से आप श्रद्धांजलि दोगे अपने अंदाज में, किस तरह से प्रार्थना करोगे जहाँ गए हैं मालिक के पास खुश रहे? जी अब तो इस बात को 30 साल हो चुके हैं, तो बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और किसी के साथ ना हो। एक बहुत अच्छा करियर जिनका बन सकता था, तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जहाँ भी हैं और बहुत उनकी आत्मा के लिए मैं यही दुआ कर सकता हूँ। अविनाश वधावन का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। इंडिया आस्क्स का ये जो चैनल है ये इनका एक बहुत ही हिट प्रोग्राम है, फिर उनकी याद आई और ये बहुत ही हिट प्रोग्राम हो रहा है और आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस प्रोग्राम को रेगुलरली देखें और अपने चहेते कलाकारों के बारे में जो आप इस दुनिया में नहीं रहे उनकी कुछ बातें आपको आप तक पहुंचें। और बस इसी शुभकामना के साथ मैं उनको बधाई देता हूं और आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रोग्राम को अवश्य अवश्य देखेंगे। थैंक यू। अविनाश जी ने दिव्या भारती जी को अपने दिल से श्रद्धांजलि दी, इंडिया आज की टीम की तरफ से भी दिव्या भारती जी को दिल से श्रद्धांजलि दी। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।